कोटा में एक परिवादी की ओर से सहायक औषधि नियंत्रक के खिलाफ परिवाद पेश किया गया था, जिसके आधार पर एसीबी मुख्यालय जयपुर ने संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए औषधि नियंत्रक संगठन को पत्र लिखा है। इस संबंध में एसीबी में दिए गए परिवाद में ड्रग लाइसेंस के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया था। मामले के अनुसार चंद्र प्रकाश राठौर ने पिछले साल 2018 में एसीबी को परिवाद दिया था कि उसे साल 2016 में सीपी एजेंसी के नाम से होलसेल दवा की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया था, जिसमें बताया गया है कि कोटा के सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग ने लाइसेंस के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एसीबी कोटा चौकी ने इसका परिवाद दर्ज कर जयपुर मुख्यालय भेज दिया था। एसीबी मुख्यालय ने इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन इस मामले में औषधि नियंत्रक संगठन को विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा के लिए पत्र लिखा है। वही मामले में सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र गर्ग का कहना है कि परिवादी ने रंजिश के तहत परिवाद पेश किया है। चंद्र प्रकाश राठौर ने एक परिवाद पेश किया था देवेंद्र गर्ग जो एडीसी हैं इनके खिलाफ, कि इन्होंने इनसे पूर्व में रिश्वत की मांग करी थी, जिसका इन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। इस संबंध में इन्होंने जो परिवाद पेश किया था उस पर जांच की गई। उस परिवाद के जांच के उपरांत मुख्यालय ने उसमें विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय